हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं सिक्योरा सिक्योरिटी सिस्टम का यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चेस्ट 3 के बारे में कि चेस्ट 2 चेसी कैसे कनेक्ट करते हैं। अभी देखिए, ये अलग चेसी है, चेस्ट 7 है और ये भी चेस्ट 7 है, और इधर जो है टेलीफोन जैक है, FT जैक है, ये भी चेस्ट 7 है। ठीक है, तो तीन चेस्ट 7 है, तीन चेस्ट 7 कितना हो गया, 27 चेसी। ठीक है, 27 चेसी का ये कैबिनेट है। तो अभी ये केबल हमको चेसी टू चेसी कनेक्ट करना है, तो ये जो वाइट केबल दिख रहा है आपको, उसको कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो कैसे कनेक्ट करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें दो केबल होता है, पावर कोड होता है, जो एक 3 पिन का होता है, एक 4 पिन का होता है। डेटा केबल सेम होता है, ये डेटा केबल है, ये सेम होता है। ठीक है, तो अभी एक चेसी है हमारा ये, तो ये फर्स्ट 3 केबल जो निकला हुआ है, फर्स्ट ऊपर का, ये चेसी का ऊपर में जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, दिखाते हैं आपको, ये केबल है, ये केबल यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से निकला है फर्स्ट चेसी से, सेकंड चेसी में टॉप पे चला गया। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चेसी के टॉप में लगा हुआ है, 3 केबल हमेशा टॉप पे ही जाता है, तो टॉप से निकलेगा, ये टॉप पे लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डेटा केबल भी सेम होता है, फर्स्ट से निकलेंगे टॉप से और फिर सेकेंड चेसी का टॉप पर कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, सेकेंड चेसी है, ये उसे टॉप पे कनेक्ट हो गया। और ये 4 पिन केबल, ये बॉटम से निकलता है, बॉटम मतलब चेसी का बॉटम, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। ठीक है, तो टॉप से निकलेगा टॉप में जाएंगे, टॉप से निकलेगा टॉप में जाएंगे। ठीक है, कनेक्ट हो जाएंगे, इसको बॉटम से निकलेंगे, बॉटम से जाएंगे, सिंपल तरीका। ठीक है, बॉटम से निकालेंगे, ये बॉटम से निकाला मैं चेसी 1 का, और चेसी 2 का बॉटम में चले जाएंगे। ये देखिए, चेसी 2 का बॉटम में गया हुआ है टॉप में। ठीक है, टॉप में गया, ये नीचे जाएंगे, फिर इसका नीचे से ये लग गया आपका बॉटम टू बॉटम, ये भी बॉटम टू बॉटम है। ठीक है, ये बॉटम से देखिए, यहाँ बॉटम से निकला है, इसका बॉटम में चले जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे बॉटम से बॉटम में लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको फिर एक बॉटम में 4 पिन का है, एक बॉटम में फिर एक डेटा केबल है, तो यहाँ से निकलेगा डायरेक्ट आपका इसमें जाएगा फायर टेलीफोन जैक में। ठीक है, ये फायर टेलीफोन जैक में कनेक्टेड हो हुआ है, तो 3 पिन वाला जो यहाँ से निकलेगा टॉप से, वो J2 टर्मिनल में जाएंगे, और उसके बाद जो 4 पिन का यहाँ से निकलेंगे, ये J3 में जाएंगे, और डेटा केबल J4 में जाएंगे, और फिर इसका डेटा केबल, अभी ये J4 में गया है टॉप वाला, और जो बॉटम वाला है वो J4 में जाएंगे, 1 2 3 J5 में जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे कनेक्ट करने के बाद आप पैनल चालू करेंगे, आपका पैनल चालू हो जाएंगे, सब चेसी एक्टिव हो जाएंगे, तो आप ऐसा करके आप चालू कर सकते हैं। थैंक्स मेरे दोस्त, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें आप।